बुर्ज जद्दी। आज सुबह से ही आप बहुत ज्यादा हसास होने की वजह से बिला वजह की परेशानी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे हालात में किसी किस्म का कोई भी अहम फैसला करने से इज्तनाब करें और खास तौर पर अपने आप को तन्हाई का शिकार ना होने दें, क्योंकि दूसरों से दूर हो जाने के बाद आपको अपने हालात के बारे में कोई भी ताज़ा तरीन खबर मौसूल करना मुमकिन ना होगा, जिससे आपके ख्यालात में अनजानी सी कशीदगी पैदा हो सकती है। दूसरों से किसी भी तरह का लेन देन करते वक्त अपने लहजे और जज्बात पर काबू रखें और किसी किस्म की बहस व तकरार में मुलव्वस ना हो, क्योंकि इससे बात बढ़कर तल्ख कलामी तक भी पहुंच सकती है। इसलिए खुद को पुरसकून रखना ही सबसे अहम काम है। बुर्ज दिल। आज आपके लिए अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा, लेकिन अपने आप को मस्बत सोचों का मजहर बनाकर दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जरूरियात के मुताबिक रकम का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। आज आपके दिन का आगाज अपनी घरेलू नौयत की मुश्किलात से होने के इम्कानात हैं, जिन्हें अहमियत देकर अपने सर पर सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अपने आप को हर हाल में पुरसकून रखने की ही कोशिश करें। अगर आपको आज किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े से बचना है तो अपनी शीरी बयानी, बेहतर अल्फाज के चुनाव के अलावा मुतहम्मिल मिजाजी और नरम मिजाजी से काम लेकर अपने आप को यकीनन महफूज रख सकते हैं। बुर्ज हूत। आज आपका तयशुदा शेड्यूल गैर मुतवक्क तौर पर तब्दील हो सकता है, लेकिन याद रहे कि ये तब्दीलियां आपके फायदे से ही होंगी। इन हालात से फायदा उठाने के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखें। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे अहम फर्द से हो सकती है जो आपकी कारोबारी कामयाबी में ना सिर्फ अहम किरदार अदा कर सके, बल्कि मुस्तकबिल में आपकी अमली मदद करने के लिए भी बहुत पुरजोश होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके लिए किसी किस्म के जोशीले फैसले करने फायदेमंद साबित नहीं होंगे। इसके अलावा अपनी माली मुश्किलात के बारे में किसी किस्म के अंदेशों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और ना ही हालात के बारे में कोई शकूक व शुबहात का शिकार हों। बुर्ज हमल। आज सुबह से ही आपके सामने कुछ ऐसे हालात और वाकयात आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने मंसूबे मुकम्मल करने मुमकिन ना होंगे। आपको अपनी मुश्किलात से निपटने के लिए अपनी तवज्जो को खास तौर पर अपने तयशुदा मकासिद पर मरकूज रखना होगा, वरना हसबे मंशा नतायज का हसूल मुमकिन ना हो पाएगा। किसी पुराने कर्जे की वापसी के बारे में भी कोई फौरी नौयत का अमली कदम उठाना होगा, वरना बात इज्जत और वक्कार बचाने की हद तक भी पहुँच सकती है। लेकिन आपको हर हाल में अपने आप को किसी भी किस्म की घबराहट से लाजमी बचाना होगा। जबकि आपको किसी भी किस्म की नई सरगर्मियों का आगाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ नादीदा रुकावटें आपके मंसूबों को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। बुर्ज सोर। आज अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप करने के अलावा अपना कीमती वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारना भी फायदेमंद साबित हो सकेगा। आज किसी भी वक्त आपको अपने खानदान के किसी बुजुर्ग की जानिब से हसबे वादा माकूल रकम वसूल हो सकती है, जो फौरी तौर पर आप तक पहुंच पाएगी। आपकी किसी अहम फर्द की जानिब से कोई अहम कारोबारी शराकत दारी या मामूल से बढ़कर किसी मुलाजमत की पेशकश भी की जा सकती है, जिसके बारे में जल्दबाजी पर मबनी कोई जोशीला फैसला मत करें। मुमकिन तौर पर आप किसी सीनियर खातून से सर्दी गर्मी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए वक्ती परेशानी पैदा होने से आपकी इज्जत मुतासर हो सकती है। बुर्ज जोजा। आज दूसरों से बामी गुफ्तगू के दौरान अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन अपनाएं और अपना रवैया भी बेहतर बनाने की कोशिश करें, वरना किसी सीनियर फर्द की दिलशिकनी का बायस भी बन सकते हैं। इसके अलावा अपने मजबूत दलाइल और अमली नजरियात को दूसरों पर बिला वजह थोपने की कोशिश ना करें। दरअसल आपकी सोचें सातवें आसमान पर होने की वजह से आपके एहसासात भी जज्बातियत का शिकार हो गए, जबकि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप फौरी तौर पर ये सब मसाइल बगैर किसी मेहनत और मशक्कत के बआसानी हल कर सकते हैं। अपने आप को हकीकत पसंद बनाने की कोशिश करें, वरना कुछ ऐसे नागवार हालात आपके सामने आ सकेंगे जिनसे जान छुड़ानी मुमकिन ना होगी।
बुर्ज सरतान। आज हालात की वजह से आपकी अमली सलाहियतें मौसर साबित ना हो सकेंगी। इसके अलावा जहनी उलझाव की वजह से भी आपको मुतहरिक होने में मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसे हालात में आपके लिए किसी किस्म का अहम फैसला करना किसी तौर भी आपके लिए फायदे का बायस ना बन सकेगा, इसलिए ऐसे अमूर से बचना ही बेहतर रहेगा। आपको अपने मामलात की अदायगी के अलावा कोई भी नया सिलसिला शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को आराम देकर ताज़ा दम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपने बारे में दूसरों की मनफी राय सुनकर परेशान होने की कतान कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल यही लोग आपको सराहेंगे। आज तो सुबह से ही थकावट का एहसास आप पर हावी हो सकता है। बुर्ज असद। आज आपको अपने कारोबारी मंसूबों के नतायज हस्बे मंशा हासिल ना होने की वजह से दिली तौर पर आपको तकलीफ हो सकती है, जिसके नमाया असरात आपके दूसरों के साथ रवैये और लहजे से आश्कार हो सकेंगे। असल में आज का दिन कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुनासिब या फायदेमंद नहीं है, लेकिन आप अपना कीमती वक्त अगर अपने प्यारों के साथ गुजारने का मंसूबा बना लें तो यकीनी तौर पर पुरसकून और मुतमईन हो सकेंगे। वैसे भी अपने आप को थकाने या जहनी अजियत का शिकार बनाने के बजाय आराम करके अपने आप को ताज़ा दम और पुरसकून बनाने से ही फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि कल के लिए भी आपको अपनी तवानाई बचाने के लिए रखनी होगी। बुर्ज सुंबला। आज बहुत से लोग आपके ख्यालात से इत्तफाक नहीं करेंगे और ना ही आपके आइडियाज की पजीराई हो सकेगी, लेकिन आपको किसी भी हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे नामुवाफिक हालात में किसी किस्म का ना तो कोई अहम फैसला करना चाहिए और ना ही किसी मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए, हत्ता कि किसी तरह का कोई कारोबारी समझौता करने से भी गुरेज करें। लेकिन दूसरी जानिब आपके लिए प्यार मोहब्बत के खजाने आपके लिए और आपके प्यारे आपकी निगाह इल्तफात के मुंतजर हैं, जबकि आपके लिए जज्बाती तौर पर अपने आप को मुतमईन करना और एक साथ वक्त गुजार कर अपने जज्बात को पुरसकून कर लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके लिए कहीं इख्तलाफात का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज मीज़ान। आज सुबह से ही आप में काबिल अमल तवानाई की कमी होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ख्वामखा ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जबकि आपके साथ काम करने वाले अफराद आपकी कैफियत को समझते हुए आपकी मदद करने को भी तैयार होंगे। ऐसे हालात में किसी तरह की बेसुकूनी या बेचैनी की वजह से जोशीले इकदाम या किसी किस्म के खतरात मोल लेने की कोशिश बेहतर साबित नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने दोस्त अहबाब की मदद हासिल करने से ही अपनी तवज्जो मबजूल रखनी चाहिए। ऐसे अपने फराइज की अदायगी में किसी किस्म की लापरवाही या सुस्ती की वजह से आपकी डांट टिपट ही मुमकिन नहीं हो सकेगी, बल्कि आपके लिए मुमकिन तौर पर खतरात भी बढ़ सकेंगे। बुर्ज अकरम। आज चूंकि आपके पास करने के लिए बहुत काम होंगे जिसकी इंजामदेही बहुत खुश उसलूबी से करने की ज़रूरत होगी, जबकि आपको अपनी जल्दबाजी की आदत पर काबू पाकर इंतहाई इत्मीनान और तहम्मुल मिजाजी से अपने मामलात को इंजाम देना होगा। सुबह से ही आप फजूल खर्ची की जानिब बहुत ज़्यादा रागिब हो सकते हैं, जबकि बज़ाहिर ऐसा करने की ना तो कोई माकूल वजह होगी और ना ही इंतहाई अशद ज़रूरत पेश होगी। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे अहम फर्द से की हो सकती है जिसका किरदार मुस्तकबिल में आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखें और जी भर के अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होने की कोशिश करें। बुर्ज कोस। आज अपने आप को अपने मौजूदा हालात से हम आहंगन करने और अपने अमूर को तरजीही तौर पर निपटाने के कोशिश करें, इससे आप यकीनी तौर पर बहुत मसरूफ़ हो सकते हैं, जबकि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और मौजूदा हालात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए अपने दस्तयाब वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आज का दिन चूंकि किसी किस्म की नई सरगर्मियों का आगाज करने के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी से काम लेने की कोशिश ना करें।
आपके ज़हनी उलझाव और मनफी सोचों के मुरतब होने का असर आपके अपने किए गए अहम अमूर की इंजामदेही से कासर रहेंगे। हालांकि आपको ऐसे खतरात मोल लेने की कतान कोई ज़रूरत नहीं है।